Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्यापारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से भाजपा का व्यापार प्रकोष्ठ सक्रिय हो गया है। प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर इस क्रम में व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरठ मंडल का यह सम्मेलन 4 मार्च को शुभारती स्थित मंगलम ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मेलन में भाग लेंगे। आज इस सम्मेलन के भाजपा के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन व अन्य पदाधिकारियों ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा उत्तर प्रदेश में जितनी भी कमिश्नरी है उन सभी में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ कमिश्नरी के अंदर जिसमें 5 जिले अपना मेरठ जिला अपना हापुड़ अपना गाजियाबाद जिला नोएडा वो सब बुलंदशहर ये इसके अंदर रहने वाले हैं। तो 4 मार्च को सोमवार का दिन रहेगा प्रातः 10 बजे शुभारती के अंदर जो अपना मंगलम वहाँ पे ऑडिटोरियम है जिसकी 5000 की बैठने की कैपेसिटी है उसके अंदर एक भव्य अपना व्यापारी सम्मेलन हमारे जो हमारे प्रदेश के व्यापार संयोजक हैं हमारे माननीय श्री विनीत अग्रवाल सादा जी उनके नेतृत्व में वहाँ पे होने जा रहा है और जिसके अंदर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वीके सिंह जी और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी रहने वाले हैं। और देखिये, इस समय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं व्यापारियों के लिए हैं और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक भयमुक्त वातावरण उन्होंने व्यापारियों को दिया है क्योंकि 2017 से पहले स्थिति यह थी कि हमारे व्यापारी गन पॉइंट के ऊपर उनके बच्चों का अपहरण हो जाता था, उनसे रंगदारी मांगी जाती थी, वो रात को निकलते थे, दिन में निकलते थे, बहुत सारा एक भय का वातावरण था। तो उस भय के वातावरण को उन्होंने दूर किया है। तो नरेंद्र मोदी और योगी जी के नेतृत्व में व्यापारी सम्मेलन एक बड़ा सम्मेलन जैसा भी हमारे थोड़ी देर पहले विनीत अग्रवाल सादा जी ने भी कहा था 24 साल पहले यहाँ व्यापारी सम्मेलन हुआ था उससे भी बड़ा व्यापारी सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य तो सबसे बड़ी बात है मोदी जी को योगी जी को बल देना इसलिए कि उन्होंने उनका जो वो चाहते हैं जो उनकी भावनाएं रही कि भयमुक्त वातावरण बने हमें सब प्रकार की सुविधा मिले उसको लिए वो योगी जी का मोदी जी का अभिनंदन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा देश का नेतृत्व हमारे ऐसे सबल हाथों में हो मजबूत हाथों में हो जो विश्व में आर्थिक स्थिति में अभी हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं वो 30वें स्थान तक पहुंचे। तो ये आज उनका अभिनंदन है योगी व्यापारियों के मन के अंदर ऐसी भावना है मोदी जी के प्रति योगी जी के प्रति तो वो उस भावना को वहाँ जाकर प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसका उद्देश्य क्या लोकसभा चुनाव से लेकर भी है क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव तो है ही इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हमारी तो सभी किसान सम्मेलन भी हमारे होते हैं हमारे तो सभी प्रकार के होते हैं सब सामाजिक सम्मेलन होते हैं। तो व्यापारी चूंकि देश का रीढ़ की हड्डी है व्यापारी जिस तरफ होता है तो वातावरण उसकी तरफ होता है तो इस नाते ये व्यापारी सम्मेलन हो रहा है। इसमें कितने लोग आ रहे हैं? देखिए, 5000 की हमारी हमें लगता है कि जो चारों तरफ से हमारे पास समाचार आ रहे हैं कि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी इधर उधर लोगों को खड़ा होना। अच्छा, इसमें संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं, दूसरे वाले भी अध्यक्ष आएंगे? देखिए, सभी आएंगे, हमारा सभी को आमंत्रण है, सभी के पास जाएंगे, सभी से मिलेंगे और सभी को आमंत्रित करेंगे। IAPC जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आयोजित की है भाई विनीत अग्रवाल शारदा जी जो अपने प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष या मैं कहूँ संयोजक है 4 मार्च को एक व्यापारी सम्मेलन मेरठ में भारतीय जनता पार्टी और के तत्वाधान में होने जा रहा है उसको लेकर आज APC की गई थी। मेरठ के समस्त व्यापारियों के साथ मेयर विनीत जी लगातार संपर्क में है, लगातार विभिन्न बाजारों और व्यापारी नेताओं से हम लोग बात कर रहे हैं। हमारी 600 से अधिक शाखाएं हैं जो विभिन्न बाजारों में हम उनसे संपर्क कर रहे हैं और हमारा हमें आशा ही नहीं विश्वास भी है कि पूर्ण रूप से सभी व्यापारियों का सहयोग और समर्थन हमको मिल रहा है और 4 तारीख को हम भव्य व्यापारी सम्मेलन वहां कर पाएंगे। क्या इसमें दूसरे जो संयुक्त व्यापार संघ है क्या उनके लोग भी शामिल होंगे? देखिए, व्यापारी व्यापारी है व्यापार संघ और व्यापारी आमंत्रित किए जा रहे हैं।
जितना व्यापारी है सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया जा रहा है, उनका भी स्वागत है। वो भी व्यापारी हित में काम कर रहे हैं, हम भी व्यापारी हित में काम कर रहे हैं। व्यापारियों की लड़ाई वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। व्यापारी हित में जो भी होगा वो हर आदमी आमंत्रित है, उनका भी स्वागत है, जो आना चाहता है उनमें कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी व्यापार कोष पूरे उत्तर प्रदेश में हर कमीशन में व्यापारी सम्मेलन कर रहा है। 20 तारीख को शुरुआत सहारनपुर से हुई और इसका समापन व्यापारी 9 मार्च को लखनऊ में हुआ। उसी श्रृंखला में मेरठ कमिश्नरी का 4 मार्च को दिन सोमवार सुबह 10 बजे मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी के परिसर में मांगले कन्वेंशन में ये हमारा व्यापारी सम्मेलन होने जा रहा है। मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक व्यापारी सम्मेलन होगा और व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर कभी किसी पार्टी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के साथ व्यापारी हमेशा तन मन धन से रहा है और हम व्यापारियों के साथ हमेशा रहे हैं। इतना भी विश्वास दिला सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।